आप सबके लिए बहुत करते हो अनु, हर किसी का ख्याल रखते हो। तो आज आपकी पूरी टीम ने और हम सब ने मिलकर आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। और रोजीना, आपके लिए तो इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग गुरु रो अनु का। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। इस व्लॉग की शुरुआत दो दिन में एक ही बारी हो रही है। मैंने पहला वाला व्लॉग सुबह शुरू कर दिया था। यू ऑल नो गाइस, सुबह 4 बजे से उठे हैं एंड मैं ना उड़ीसा आई लैंडेड हेयर एट लाइक 9। फिलहाल 9 बजे से 2 बजे तक मैंने व्लॉग अपलोड करा, एडिट करा एंड देन उसके बाद म्यूजिक वीडियो भी एडिट करा। फिलहाल गाइस वी आर हेयर फॉर द सेशन। हम लोग जा रहे हैं टेडएक्स के सेशन के लिए। बाकी टीम आ चुकी है, सो दे गोना टेक मी देयर। आई एम ऑल रेडी, सो लेट्स गो, चलते हैं वेन्यू पर। अरे किसकी बात कर रहा, समझ में आया कि नहीं? अरे मुझे सुनाई नहीं दिया, कौन आ रहे हैं? हमारे अपने बाबू भैया। सो प्लीज वेलकम बाबू भैया ऑन द स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सो हेलो जी, मेरा नाम अनुराग डोवाल है एंड बहुत सारे लोग जानते हैं शायद अपने अपने लोग यहाँ बैठे हैं। भाई एक बार हल्ला मचा दो गाइस, पता लगना चाहिए अपनी जनता इधर। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज माय फर्स्ट स्पीकर सेशन एट टेडएक्स। 10 साल पहले मैं एक शोरूम में गया था तो मेरे पापा ने मेरे को कहा था, यार ये ना मेरी ड्रीम सुपर बाइक है एंड आई वॉन्टेड टू गेट दिस। उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए गाइस 2 महीने पहले आई गिफ्टेड माय डैड हिज ड्रीम सुपर बाइक, जो कि मेरी औकात से बाहर थी। एंड मैं यहाँ ना कोई इंस्पिरेशन स्टोरी नहीं बताने आया हूँ गाइस कि मैंने ये कर दिया। वी ऑल बिलोंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, हम सब लोगों का बैकग्राउंड एक है, हम सब लोगों के ड्रीम्स एक है यार। बस हमें ना डर लगता है यार कि हम अगर उन ड्रीम्स को परस्यू करने जाएंगे ना तो हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, हमारी फैमिलीज क्या कहेंगे, ये सोसाइटी क्या कहेगी गाइस। तो भैया आपने बहुत वेट करवाया, फाइनली मिल लिया आपसे। सॉरी भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को एक सेलिब्रिटी बनना है। तो मैं जैसे कहीं प्रोग्राम होता है, जैसे अभी यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, तो कहीं पे भी प्रोग्राम होता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। मतलब वो किसी भी स्टेट में हो, कोई भी जगह में हो, तो मेरे को घर में सब बोलते हैं, घर वाले हो, रूममेट वाले हो, कि पढ़ाई कर भाई और ये कर वो कर, तो मैं क्या करूँ? अच्छा तुम्हें सेलिब्रिटी बनाते हैं, अच्छा स्टेज पर आओ, जल्दी आओ। घर वालों को वीडियो दिखाना, बोलना देखो। हेलो जी गाइस, मेरा टेडएक्स का सेशन चल रहा था और मैं आपको एक सेलिब्रिटी से मिला देता हूँ। वी हैव गॉट दीपक भाई विद अस। हाय, इनकी फैन बेस मैं आपको चेक करा देना चाहता हूँ गाइस। व्हाट्स अप, दीपक भाई के लिए हल्ला मचाना चाहिए गाइस। बस अपन के सेलिब्रिटी, थैंक यू। एक फोटो दे दो यहीं पे। फोटो का 200 रुपए देता हूँ भाई। 500 रुपए देंगे यार, 1500 देंगे। मैनेजर प्लीज 500 रुपए ले लो फिर फोटो करवा। सो हेलो जी, मेरा नाम अनुराग डोवाल है गाइस और आपको पता है गाइस बाबू भैया आए थे टेडएक्स के एक इवेंट पे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का नाम भूल गया मैं गाइस, बट मैं आपको लोगों ये लोग मोहब्बत है गाइस। आप लोगों को पता है हमारा सबसे बड़ा मीटअप उड़ीसा में था, ये चेक है गाइस। नहीं बोला ना भाई, चलो 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 चल
So guys, we just completed our event and हमारे दो लौंडे यहाँ पर हैं जिन्होंने हमारी मर्च ले रखी है उड़ीसा में भी. अब इस जगह पे गाइज मैं आपको कहा ना, यू विल गेट स्पेशल एक्सेस. ये दो लोगों को हम लोगों ने स्पेशल एक्सेस दे करके बुलाया. आ गई ना, अभी एक महीना लगेगा भाई. हाँ, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ब्रोसेना के लोग स्पेशल एक्सेस पाते. ये देख रहे हो, इन सबको चीर फांदते हुए आए दोनों. कांग्रेचुलेशंस. सो हेमलो जी, गाइस बाबू भैया इवेंट कंप्लीट करके आए थे एंड उसके बाद स्ट्रेट आठ घंटे गाइस विदाउट सोए हुए मैंने साहिबा फाइनली एडिट कर लिया है एंड पूरा गाना एडिट हो चुका है गाइस. तो मैंने सोचा साहिबा की जो हीरोइन है ना, उसे पहले दिखा देता हूँ. सही अच्छा. क्या हो गया? कुछ नहीं, I miss you. गाइस यही सुनने के लिए पिछले 8 घंटे से एडिट कर रहा था. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड. इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम उड़ीसा. आप लोगों ने इससे पहले देख लिया होगा गाइस टेडएक्स की स्पीच एंड साहिबा का एडिट. अभी बज रहे सुबह के 5, पूरी रात भर साहिबा एडिट करा गाइस एंड आज मैं बहुत नर्वस हूं. आज साहिबा 2.0 का रिलीज डेट है. पता है मैं नर्वस क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब साइबर रिलीज करा था ना, तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था. तो साइबर 2.0 लोगों को कैसे पसंद आएगा, लोग क्या रिएक्शन देंगे, तो हम रियली नर्वस गाइस. फिलहाल अभी सुबह के बजे ऑलमोस्ट 6 गाइस. मैं सुबह उठ गया था, मैंने सारी पैकिंग कर ली थी, मैं 1.5 घंटा सो गया था मस्त आराम से. एंड गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं आज घर जाने वाला हूँ. और नॉट ओनली दिस, हर्ष और भव्या ने एक बहुत खतरनाक सरप्राइज भी रखा है, बट उन्होंने ना मेरे को बता नहीं रखा है. वो ना कुछ प्लान तो कर रहे हैं, इतना मुझे आइडिया है, बट क्या प्लान कर रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है. मेरे को कॉलेज वाले बच्चों का फोन आ गया था, दे ऑलरेडी वोक अप. बस 10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे गाइज. गाड़ी नीचे आ चुकी है, फटाफट सामान चेक करता हूँ गाइज, छूटे ना कुछ बिकॉज अकेले पैकिंग कर रहा हूँ. सो फटाफट रैप अप करते हैं गाइज और चलते हैं नीचे. रेवेन्शा यूनिवर्सिटी के बच्चों के बारे में गाइज एक चीज़ मैं बोलूंगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं एंड दे मैनेज मी वेल. ये द होल गैंग इज देयर, यू मैनेज मी वेल गाइज. 2-3 लड़कियाँ भी थी, वो भी सो रही है. वो सुबह सुबह आई है, बोल रही है सर प्लीज़ इस कप पे साइन करके दे दो. तुमने साइन करके दिया. फिलहाल आर व्हीकल इज देयर गाइज, फटाफट एयरपोर्ट चलते हैं गाइस. हम लोग पहुंच चुके थे एयरपोर्ट और मैं आपको एक सीन बता देता हूं. हमारी ना जो फ्लाइट है दैट इज़ डिलेड और ऑलमोस्ट लाइक 1/2 घंटे का डिले हुआ है. आज के दिन आई रियली डोंट वांट कि फ्लाइट डिले बिकॉज म्यूजिक वीडियो का लॉन्च है, तो मैं सारी चीज़ें ऑन टाइम पे चाहता हूं. फिलहाल गाइस चेक इन करते हैं गाइस और चलते हैं अंदर. तो गाइस वी फाइनली चेक इन एंड अभी मेरी जो फ्लाइट है वो ऑलमोस्ट डिले हो चुकी है. इट्स शेड्यूल्ड टू एट 8:25, बट आज एक बहुत भयंकर सीन हुआ मेरे साथ एयरपोर्ट पर. एक्चुअली आपको बता देता हूँ, मैं घर से ना ऑलमोस्ट लाइक 3 GoPro की बैटरीज लेकर गया था. बट व्हाट हैपेंड, मैं दिल्ली से जब यहाँ पे भी लैंड करा ना, तो भी मेरे पास 3 GoPro की बैटरीज थी. बट जब मैं भुवनेश्वर से वापस दिल्ली और देहरादून जा रहा था, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने मेरी 1 GoPro की बैटरी निकाल ली. बोला ये इलीगल है, आप इसे कैरी नहीं कर सकते. एंड मेरी एक नई GoPro की बैटरी गाइस उन्होंने सीज़ कर ली. मैंने उनको बोला मैं आप रूल दिखा दो एटलीस्ट कि कहाँ पर आप 2 बैटरी से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, या फिर आप मेरे को रिसीविंग दे दो. तो उन्होंने मेरे को वो भी नहीं दिया एंड एक नई GoPro की बैटरी गई गाइस. मैंने उन्हें समझाया कि मेरा भाई शूट है, मेरे को बाकी टीम दिल्ली से पिक करेगी. एक्चुअली दिक्कत ये थी गाइस कि मैं GoPro कैरी नहीं कर रहा था एंड वो बैटरीज भव्य ने ना इस वाले बैग में ही रख दी थी. बट चली गई गाइस बैटरी. तो एक रूल बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है ना, तो आप लाइक नॉट मोर देन 2 बैटरीज कैरी कर सकते हैं. तो अगर आप बैटरीज कैरी कर रहे हो, तो मैक्सिमम 2 बैटरीज यू कैन कैरी विदाउट द इक्विपमेंट. हेमलो जी, फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून. हर्ष और भव्या ना बाहर मेरे को लेने आ गए और मैं ना बहुत एक्साइटेड हूं, बिकॉज साइबर लाइव करने जाने कल. फटाफट गाइस उनसे मिलते हैं और फिर साइबर लाइव करते हैं यार. सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट से बाहर और हमारी थार कहाँ है गाइस? हमारी थार कहाँ है? ये लोग पहुँचे नहीं अभी तक एयरपोर्ट. मुझे ना घर जा करके साहिब अपलोड करना है 3:44 पे. अभी 3 बजने में ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट है, बट देख रहा हूँ गाइस हमारी थार कहाँ पर है. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतने दिन गाइस, एक दिन हो गया था मैं नहीं मिले हुए, ऐसा लग रहा था सालों सालों से अलग हो रखे. फिलहाल पहुंच चुके हम लोग वापस घर. वो अच्छा मार्केट कौन सी मार्केट थी वो? जा रहे हम गाइस, मैंने ना परसों छोड़ के आपस में लड़ रहे भाई की बंजारा मार्केट चल रहे. फिलहाल यहाँ ना ज्यादा देर गाड़ी नहीं, वैसे बाबू ये तो खड़ी कर सकते हैं, बट फिलहाल निकलते हैं गाइस घर के लिए. साहिबा कैसे लगा ये बताओ?
हाँ भाई हमने सुबह रिस्पॉन्स दे दिया था, लेकिन सांप तो मैंने ना घर में पाल रखे हैं, पूरी वीडियो का अनलिस्टेड लिंक हो गए थे भाई। मेरे से पूछ रहे हैं तूने कितनी बजे कॉल किया था, मुझे भी बता दे। रात को ने वीडियो का लिंक भेज दिया साहिब का अनलिस्टेड, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा 12 बजे तक। सुबह 5 बजे भेजा था आपने, तो देखना तो पड़ता है ना। चलो चलो। सो यार हम पहुंच गए थे घर और मेरा सरप्राइज क्या है ये तो बताओ। सरप्राइज बता देंगे तो क्या ही सरप्राइज रह जाएगा, बताओ ना क्या कर रहे हो यार। बस हम सरप्राइज बता रहे हैं आपको, एक हिंट दे रहा है, आप रो जाओगे। हाँ, तो रो जाएगा। अगर रोना नहीं आता क्लिसरिन थोड़ी डाल के, तेरे लिए चैलेंज है। चलो आज अपने यादों को इमोशन कंट्रोल कर ले अपने, ठीक है। बस आप रो जाओगे अगर आपने इमोशन कंट्रोल नहीं करा। तू बोलना कि नहीं रोऊंगा, ऐसा नहीं होगा कुछ। चलो ठीक है आज आप। हाय गाइस, मैं ये चीजें ना दूसरे लोगों को बोलता हूँ कि भाई तुम रो जाओगे, तुम्हारे लिए सरप्राइज है आज, मिल ले कुछ। सच्ची में मम्मी से नहीं रोना है, रो जाओ। मेरे को पहली बार ऐसा सरप्राइज वाली फीलिंग आई। कुछ महंगा है क्या ये बताओ? फिर क्या है ऐसा, क्या हो सकता है? वो शाम को पता चलेगा, वो तो आपको शाम को पता चलेगा। बस अभी हमें फ्री छोड़ दो ना, हमारे साथ चिपकना मत फालतू। ओके हमें छोड़ दो, हमें फ्री छोड़ दो। पब्लिक करके हमारे साथ चल रहा है। चलो गाइस चलो गाइस मैं बता देता हूँ। तो यार हम लोग पहुँच चुके थे घर और ये चेक करो, जीटी को ना धूप पे देखने की वाइब भी अलग है भाई। क्या मस्त लग रही है गाइस, कसम से भाई ये तो खतरनाक ही बन गई भाई। अपनी ऐसी कार बन गई है ना, घर आकर के इतनी खुशी लगती है ना इसे देखने में। हाँ देखो भयंकर क्या सेक्सी लग रही है गाइस। हेलो मेरी बेटी, हेलो सैंडी, हेलो चुंदू, क्या हाल है? आज ना जूलू को बिल्कुल भी प्यार नहीं करूंगा। हेलो सैंडी, कैसे हो मेरी बेटी, कैसे हो चुंदू, रोटी खा मेरी बेटी? हेलो जुलू, क्या हाल है, कैसे हो जुलू, क्या हाल है जुलू, क्या खाया भाई इन्होंने? पहुंच गया हम लोग घर एंड इतना सुकून मिल रहा है ना घर आकर के। मम्मी गए, मम्मा भाई मम्मी तो छत पे है, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल, क्या हाल मामा, बढ़िया आशीर्वाद, जीती रहो। चलो चलो गाइस इन्हें ना प्यार बाद में करेंगे, फिलहाल गाना अपलोड करना है, लेट्स गो। सो गाइस टाइम हो चुका है 3:41 एंड सब कुछ फाइनल हो चुका है साहिबा का, बस अब केवल पब्लिक करना बाकी है। ऑलमोस्ट केवल 3 मिनट बचे हैं गाइस, मैं इतना नर्वस हो रखा हूँ अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे पसंद आएगा लोगों को। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये मेरे करियर का ना। करते हैं पब्लिक और रिएक्शन चेक कराता हूँ आपको लोगों के। गाइस फाइनली साहिबा को पब्लिक कर दिए एंड ये चेक करो 3 मिनट में 44K व्यूज और लाइक्स, देख रहे हैं यहाँ पर 33K लाइक्स। मैं ना स्वाइप अप करके दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो भाई 35K लाइक गाइस, 35K लाइक 4 मिनट में, 35K लाइक। अगर मैं सोच रहा हूँ 4 मिनट में 35K लाइक, विच मीन्स 20 मिनट में 1,00,000 लाइक्स तो हो ही जाएंगे, जो कि नेक्स्ट लेवल रिकॉर्ड है गाइस। फिलहाल कमेंट चेक कर रहा हूँ, मेरा इस बार रिकॉर्ड कमेंट्स का है, कमेंट्स ना 12,000 हो चुके हैं एंड बस यहाँ पर ना 1M देखना गाइस। बाकी मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ, लोगों के रिएक्शन देखता हूँ कि लोगों को कैसे पसंद आ रहा है गाना, बिकॉज ये गाने में बहुत बहुत इमोशन थे गाइस। ये ब्लॉग कल आएगा गाइस जब ये गाना रिलीज हो चुका होगा, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आपको साइबर 2.0 कैसे लगा, और मेरे लिए भी ना एक और सरप्राइज भव्य और अर्श प्रिपेयर कर रहे हैं। फिलहाल मैं लोगों के कमेंट रिप्लाई करता और स्टोरी लगाता हूं इंस्टाग्राम पे, मिलते हैं गाइस आपसे, देखते हैं थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड टूट पाएगा नहीं पाएगा। गाइस मैं आपको एक चोर से मिलाता हूं, गाइस चोर से मिलो, मेरे सारे कपड़े चुरा रखे इसने दुबई में। आपको पता है मैंने एक कपड़ खोली एक शर्ट निकली, दूसरी खोली दूसरी शर्ट निकली, जूजू कपड़ खोलती थी आप ही के कपड़े निकल रहे। कांग्रेचुलेशंस फॉर साहिबा इकरा, कांग्रेचुलेशंस। मैंने आपके लिए स्टेटस डाला, आपने तो देखा ही नहीं, आपके पास तक था ही नहीं। तुम्हें वीडियो कॉल करी थी 2 मिनट पहले, उठाई नहीं, पता नहीं कहां बिजी हो रखी थी। So guys, finally, बाबू भैया आ चुके थे घर और मैं हो चुका हूँ रेडी। और आज जिंदगी में पहली बार ना मुझे सरप्राइज, मतलब पहली बार तो नहीं दी इन लोगों ने, लेकिन आज ही बोल रहे हैं आप रो जाओगे, यानी सरप्राइज का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। क्या क्या हो सकता है मम्मी, क्या करा होगा इन लोगों ने मेरे लिए? इधर आओ, उजाले में आओ मम्मी, उजाले में आओ, क्या करा होगा मम्मी इन्होंने मेरे लिए? मुझे ये बताओ, बोल रहे कि आप रो जाओगे यहाँ पर, ऐसा कुछ प्रिपरेशन करी। लैम्बोर्गिनी चल लेके आ गए तुम लोग नहीं, ये मर्च के पैसे से लैम्बो आ गई। और क्या हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं मम्मी, किस चीज से रो सकता हूँ मैं? और वही जाकर पता करना किस चीज से रो सकता है। हम
ये नहीं कह रहे कि रोएगा, इमोशनल हो जाएगा। इमोशनल ना, और इमोशनल कैसे हो सकता हूँ मैं? भव्य की शादी हो रही है, भव्य जा रही है क्या? यस, उस दिन तो मैं खुश होऊंगा, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना भव्या चौहान, इतना खुश होऊंगा ना। और एक हफ्ते के अंदर अगर तुम अपने पति से तलाक करके नहीं आ गई, बस यही तो चाहते हो आप। मैं, तो आप चाहते ही नहीं। मैं चाहता नहीं, तुम अपने अपनी हरकतें देखिए, तुमने कौन से लेगा फिर इसके लिए भाई? कोई नहीं, क्या संपर्क करो गाइस। कल मैं आपको बता देता हूँ, मैं उड़ीसा चला गया था, उसके बाद भव्या और हर्ष ने इतनी लड़ाइयां करी है ना, भव्या बोली मुझे मार्केट जाना है, मैं उड़ीसा में बैठा हूँ और लड़ाई कर रहे हैं फुल पावर। हर्ष बोल रहा भाई इसे समझा ले, और ये बोल रही मुझे मुझे एसबीटी छोड़ दो, मैं बस से जाऊंगी। कहाँ जाना था? बंजारा मार्केट, अपनी जाने दूंगी और बंजारा। बोल रही सब मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, अपने बैठ करके बहुत अच्छा सा लग रहा है। guys, ये मेरे को पता नहीं कहाँ लेकर के जा रहे हैं, तो शायद जीटी आज मैं नहीं चलाऊंगा, जीटी हर्ष चलाएगा थोड़ी देर बाद। मैं वैसे से बाहर निकाल देता है और बाहर मिलते हैं आपसे। गाइज मेरे साथ आज सीन बहुत खतरनाक हो रहे हैं, हर्ष ने मेरे को मेरी गाड़ी से बाहर निकाल दिया भाई, ये बोल करके कि मैं चलाऊंगा। भाई क्या सीन है भाई, किडनैप करना तो नहीं कर रहे मेरा? ब्लाइंड फोल्ड कर देना, जब मैं बोल ब्लाइंड फोल्ड क्या पागल हो गए क्या, रिश्ता रिश्ता भेज रहे हो? ये क्या है, ये क्या है? मैं नहीं कर, गाइस मैं नहीं कर रहा हूँ ये सब चीजें। तो हम रिश्ता करवाने भी नहीं जाएंगे आपको लेके, जैसे हम अभी जा रहे हैं भाई। ये देख रहे हो गाइस, जिंदगी में पहली बार सरप्राइज मिल रहा है और मेरे बाल खराब हो गए। आपको बता देता हूँ, ये ना पहली बार मैंने अपनी ड्राइवर वाली सीट में बैठा हूँ और हर्ष हर्ष मस्टैंग जीटी चला रहा है। ड्राइवर वाली सीट में बैठा, ब्रेक आराम से चला, ब्रेक आराम से लगा, हर्ष भी तो दिख भी नहीं रहा, कहाँ ठुकेंगे भाई। आगे पहुंच गए हम लोग, फ्लैश चल रहा है, आप वीडियो कॉल पे रहना ठीक है? बहुत क्रेजी सीन हो रखा है यहाँ पर। और भैया ये बताओ, एक्सपोज तो नहीं हो रहा है? एक्सपोज वीडियो है। आपको पता है कि आप वो इंसान हो जो दूसरों को खुशी देने के लिए अपने आप को भी लुटा रहे होते हो। आपने बहुत मुश्किलों से निकल के एक ऐसी जनता कमाई है जो आपके साथ हर पल रहती है, ऐसी ब्रोसीना जो आपके लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि आपने उनकी खुशी के लिए रात मेहनत करते हो। और ब्रोसीना आपके लिए तो इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग गुरूर हो अनु का। अनु के मुंह से निकली हर बात आप लोग पूरी करते हो। मैंने 5 लाख कमेंट्स का कहा तो आप लोगों ने 4 घंटे में ही पूरे कर दिए थे। इस बार 1 मिलियन कमेंट्स का बोला तो उस पे भी सबके पॉजिटिव आंसर आए। ऐसी जनता, ऐसी ब्रोसीना किसी के पास नहीं है जैसी अनु के पास है। अनु अब बहुत लगी हूँ कि आपके पास बहुत प्यार करने वाली जनता है, जान छिड़कने वाले मम्मी पापा हैं। हर रिश्ता तो बचा मगर अनु, दोस्त ना हो तो जिंदगी अधूरी है। भगवान ने तो आपको हर पल साथ निभाने वाले पूरी दोस्तों की एक टीम दी है जो आपके साथ जीने मरने में शामिल रहती है। अनु आपके साथ जितना वक्त बिताया वो सब गोल्डन टाइम था। आपको पता है साइबा में काम करके इतना प्राउड फील हुआ जितना तो एग्जाम में 100/100 लेकर भी नहीं हुआ था। हर मोमेंट पे आपने इतना ख्याल रखा, इतना ध्यान रखा। मैं दुआ करूंगी अनु कि आप ऐसे ही नाम कमाते रहो। मैं ये तो नहीं जानती कि लोग प्यार किसे कहते हैं,
पर मैं ये जानती हूँ कि मेरी आपसे जो दोस्ती है वही असली मोहब्बत है, क्योंकि दोस्तों से बढ़ के कुछ नहीं होता और मेरे लिए आपसे बढ़ के कुछ नहीं है। और मैं चाहती हूँ आप हमेशा ऐसी ऊंचाइयों को छूते रहो और बहुत आगे बढ़ो। आखिर में बस इतना कहती हूँ, आप सबके लिए बहुत करते हो अनु, हर किसी का ख्याल रखते हो। तो आज आपकी पूरी टीम ने और हम सब ने मिलकर आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है, होप आपको पसंद आएगा। वेट, वेट, तुमने इकरा तुमने मेरे को नहीं बताया तुम किसकी टीम में हो? मेरी टीम में हो, इनकी टीम में हो? हाँ भाई, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? इमोशनल। काश इकरा तुम यहाँ पर होती इस टाइम पे, ना बॉर्डर्स हमें लग नहीं पाएंगे। मेरे नाम के सजदे किए, अब तो तू मेरे नाम हो। सैलाब तेरी यादों का, ये कश्ती कैसे पार हो। बस हो गए खफा, तुम गए हो दिल से दफा तुम।